मेरा नाम डॉक्टर गुलाम फारूक है। मैं बेसिकली न्यूरो सर्जन हूँ और करंटली हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ एक्टिंग शेख जायद हॉस्पिटल क्वेटा में। बेसिकली न्यूरो सर्जन हूँ और हमारे काफ़ी डिजीज़ जो है ना न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन के बीच में बड़े कॉमन है। न्यूरो सर्जन जो है ना वो दिमाग का या बैक का ऑपरेशन करता है, गर्दन का, और जबकि न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इन्हीं बीमारियों को दवाइयों से ट्रीट करते हैं और अक्सर स्ट्रोक देखते हैं। आजकल के मॉडर्न दौर में एपिलेप्सी जो है, जिसको मैर्की कहते हैं, वो एक सर्जिकल बीमारी बन गई है। जैसे कि हर 100 में से 85 लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और उनमें क्योर रेट जो है जिसको 95% है। फिर हमारे ऑफिस में बहुत कॉमन सिनेरियो है, बहुत से लोग बैक पेन ज़िंदगी में किसी भी वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन बैक पेन की इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेन जनरेटर क्या है, वो पेन बैक में किस वजह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बैक जो है, लंबर स्पाइन जो है, उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स है, उसमें डिस्क है, उसमें नर्व्स है, उसमें थीका है, उसमें फेसेट जॉइंट है, उसमें मसल्स है, उसमें स्किन है, तो काफ़ी चीज़ें हैं और उसके काफ़ी पैथोलॉजीज होते हैं। कोई कोई मैकेनिकल पेन होता है, कभी कोई जो है डिस्कोजेनिक पेन होती है, कभी ट्यूमर की वजह से होती है। तो ये तमाम जो है ना एक न्यूरो सर्जन इस मरज़ की इवेल्यूएशन के लिए या इसकी तशखीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। वेबसाइट है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं मेरी अपॉइंटमेंट, और मैं सलीम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसके बाद सुल्तान तरीन हॉस्पिटल में बैठता हूँ जो कि यहाँ पे है डबल रोड, जिसको कहते हैं जरगुन रोड।